वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. भारत ने परमाणु युद्ध होने से रोका, वरना 2022 में दुनिया एक भयानक परमाणु युद्ध की शुरुआत देखती। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रही है अमेरिका की प्रतिष्ठित मीडिया, वही मीडिया जो हमेशा भारत को गाली देती है, नीचा दिखाने की कोशिश करती है और भारत की उपलब्धियों को स्वीकारती नहीं है। वही अमेरिकी मीडिया आज भारत की तारीफों के पुल बांध रही है, और अमेरिका और यूरोप के जो समाज है वहाँ पर भारत की खूब वाहवाही भी हो रही है। यकीन नहीं आता, चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज अमेरिका की जो मीडिया है, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, चाहे बिजनेस इनसाइडर हो, चाहे वो सीएनएन हो, सब ये रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अमेरिका ने 2022 में चीन और भारत से मदद मांगी थी कि आपके रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, आप रूस को रोकिए वरना रूस यूक्रेन में भयानक परमाणु युद्ध की शुरुआत कर देगा जो यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत से बात करने के बाद रूस ने अपनी तैयारी, खासकर की परमाणु हमला करने की जो तैयारी थी, उसे होल्ड पर रख दिया, वरना रूस पूरी तरीके से तैयार था एक मैसिव न्यूक्लियर स्ट्राइक करने को। लेकिन तो पूरी कहानी है क्या, रूस क्यों परमाणु युद्ध करना चाहता था, और अमेरिका ने भारत चीन से मदद क्यों मांगी, और स्पेशली भारत के कहने पर रूस कैसे पीछे हटा, चले मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूँ। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती हफ्तों से। कुछ ही हफ्ता हुए थे इस युद्ध को शुरू हुए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी रिपोर्ट आनी शुरू हुई कि कुछ यूरोप के देश हैं जो यूक्रेन को डर्टी बॉम्ब सप्लाई कर सकते हैं, खासकर की ब्रिटेन। उस समय मैंने आपको ये रिपोर्ट दी भी थी, और इस बात से रूस बहुत ज्यादा चिंतित था, क्योंकि डर्टी बॉम्ब और कुछ नहीं बल्कि बड़े जो न्यूक्लियर हथियार होते हैं उन्हीं का छोटा प्रारूप होता है। ऐसा समझकर चलिए कि आपको 100 किलो के एक न्यूक्लियर बम की जगह 1-1 किलो के न्यूक्लियर बम बनाने हैं, उन्हें ही कहा जाता है डर्टी बॉम्ब। इनका जो असर होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है, लेकिन बहुत ही थोड़े एरिया में। उस समय कहा यह जा रहा था कि यूक्रेन यूरोप से ये डर्टी बॉम्ब लेकर यूक्रेन के अपने ही इलाकों पर हमला करेगा, खासकर कि वो इलाके जो कि रूसी सेना ने कब्जा लिए, और रूसी सेना पर ये डर्टी बम बरसाए जाएंगे जिससे कि एक झटके में ही हजारों नहीं लाखों रूसी सैनिक मारे जाएंगे। अब इसी बात से चिंतित होकर रूस ने तुरंत एक्शन लिया और 2022 के मध्य तक यूक्रेन की सीमा के पास अपने न्यूक्लियर बम्स की तैनाती तेजी से बढ़ाने शुरू कर दी, मिसाइलें तैनात करनी शुरू कर दी। अब इस बात से अमेरिका भी चिंतित हुआ, और आपको याद होगा कि रूस की इन परमाणु तैयारियों के खिलाफ अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि वो किसी भी हालत में रूस के परमाणु हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर उसने यूक्रेन के अंदर परमाणु हमला किया तो अमेरिका रूस पर सीधा परमाणु मिसाइल दागेगा। लेकिन हाल ही की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि रूस इस बात के लिए भी तैयार हो गया था कि अगर उसे ये खबर मिलती है कि यूक्रेन यूरोप से परमाणु बम लेकर, यानी कि डर्टी बम लेकर उसके सैनिकों पर हमला करने की तैयारी भी कर रहा है, यानी कि हमला किया नहीं है लेकिन तैयारी कर रहा है, तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा, यानी कि ऐसी खबर मिलते ही पहले वो यूक्रेन पर हमला कर देगा इससे पहले कि यूक्रेन उस पर हमला कर पाए। अब हाल ही में जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, इसमें पता चला है कि इस बात को लेकर अमेरिका चिंतित था कि कहीं रूस और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए,
कहीं कोई झूठी अफवाह या खबर ना फैला दे या कोई झूठी टिप ना पहुंच जाए रूस तक कि जो डर्टी बॉम्ब है वो यूक्रेन पहुंच चुके हैं और बस अभी भी रूसी सैनिकों पर ये डर्टी बम बरसाए जाने शुरू किए जा सकते हैं। इस बात को देखते हुए पहले ही रूस परमाणु हमला कर सकता था यूक्रेन पर, इसी बात को लेकर अमेरिका चिंतित था, इसीलिए उसने भारत और चीन से संपर्क किया, खासकर की भारत से, क्योंकि चीन से अमेरिका के संबंध उतने खास नहीं है। इसीलिए भारत से बातचीत पर जोर दिया और भारत को कहा कि आप रूस को समझाइए ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम कोई भी डर्टी बॉम्ब यूक्रेन को सप्लाई नहीं करने वाले और अगर कोई यूरोप का देश सप्लाई करने के बारे में सोचता भी है तो अमेरिका उसे रोकेगा, बस आप रूस से कहिए कि कोई भी ऐसी स्ट्राइक मत कर देना जिससे कि एक परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि एक बार रूस ने किसी अफवाह पर भरोसा करके परमाणु हमला कर दिया तो मजबूरी में हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अब जो CNN ने रिपोर्ट जारी करी है इसमें बताया गया है कि भारत ने अमेरिका की बात सुनी और रूस से बातचीत शुरू कर दी और भारत से बातचीत करने के बाद रूस ने भी बात को समझा और अपनी जो परमाणु तैयारियां थी उसे होल्ड पर डाल दिया और साथ ही अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे एक बैक चैनल जाते हैं भाई। और उन दिनों मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक दो बार मोदी जी ने उनसे बात की थी, अब हमें नहीं पता कि क्या बात थी क्या सारा कुछ, लेकिन शायद वो यही बात थी और ये बात सच भी है कि इसमें हमने खुद उस वीडियो को देखा भी था, हमने शायद रिएक्ट भी किया हो क्योंकि इंडिया कह रहा हूँ रशिया ने कहा था क्या कर मतलब हम उड़ा देंगे क्योंकि वो हमारे खिलाफ कोई डर्टी बॉम्ब करने की कोशिश कर रहे याद है मैं तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको भी, तो अमेरिका ने कहा कि भाई चाइना को तो उसने सुनी लेकिन इंडिया की बात सीरियस ली उसने और फिर वो जाकर तब वो पीछे अमेरिका ने पहले ही इंडिया को बोला भाई, चाइना को मेरे ख्याल में नहीं बोला था, चाइना की वैसे भी इतनी नहीं सुनता लेकिन भारत की उसने इसलिए सुन ली और देखो भाई किस तरह परमाणु युद्ध रुक गया और अभी सोचो अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो दुनिया का भी क्या हाल होता। अच्छा काफी सारी चीजें ऐसी होती है ना, अमेरिका के बारे में मशहूर है वो एकदम से दुनिया के सामने नहीं लाता, वो कुछ टाइम गुजरता है तो तब वो खबर बताती है, तो असल बात ये थी अब वो दुनिया के सामने आई है। इससे साबित होता है कि इंडिया पूरी दुनिया में अमन चाहता है, शांति चाहता है, कभी भी इंडिया का और वो स्टैंड नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल ये नहीं कि भारत मतलब किसी भी कंट्री को दबाव होता।